देखो हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था LP पे, दिख रहा ना, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। अब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में है क्या, ये मैं तुम्हें बिल्कुल शुरू से बता दूं। इसमें क्या है, कुछ समस्याओं पर विचार करना होता है। जैसे इसमें पीछे मैंने सबसे पहले दिन जो वीडियो बनाई उसमें तुम्हें बताया भी था कि अगर एक आदमी दुकान खोलना चाहता है तो उसके सामने कई किस्म की समस्याएं हैं। जैसे सबसे पहले पेज पर चलते हैं जहां चैप्टर शुरू हो रहा है, एक फर्नीचर व्यापारी दो वस्तुओं, सेकंड पैराग्राफ पढ़ो तुम, एक फर्नीचर व्यापारी दो वस्तुओं जैसे मेज और कुर्सियों का व्यवसाय करता है, निवेश के लिए उसके पास 50,000 और सबसे पहले एक मिनट, उसके पास 50,000 रुपए। अब चाह के भी वो 51,000 खर्च नहीं कर सकता, ठीक है भाई। ये तो सबको पता है कि बिजनेस में जितना ज्यादा पैसा डालें उतना ज्यादा प्रॉफिट मिलता है, ये तो सभी को पता है। अब लेकिन उस भाई के पास जब है ही 50,000 रुपए तो एक तो समस्या यही आ गई, और बड़ो आगे क्या कह रहा है, और रखने के लिए केवल 60 वस्तुओं के लिए स्थान। अब उसका जो कमरा है, जो दुकान है, उसमें केवल 60 वस्तुएं ही रखी जा सकती है। आगे पढ़ो, एक मेज पर ₹2,500 और एक कुर्सी पर ₹500 की लागत आती है। जब हम मेज खरीदने जाते हैं तो कितने रुपए खर्च होते हैं, 2,500 रुपए, जबकि कुर्सी केवल 500 रुपए में आ जाती है। ये है मेज और ये है कुर्सी, ठीक होगी बात। अब यहीं से तुम सवाल को समझना शुरू करो। अब तुम्हें दिख रहा कि 500 के हिसाब से कुर्सी आ रही, तो क्यों ना सारे पैसों की हम कुर्सी ले लें। लेकिन अगर सारे पैसों की कुर्सी लेंगे तो 50,000 की कुर्सी कितनी आएगी, 100। अब समस्या क्या है, दुकान में केवल 60 ही रख सकते हैं, तो समस्या नहीं है। मतलब इसमें कई तरीके से तुम्हें सोचना पड़ेगा। अगर वो सोचे कि मेज ही ले लें सारी, तो मेज लेने में क्या है, 2,500 की एक मेज है, 50,000 में कितनी मेज आएंगे, 2,500 भाई, 5,000 में दो मेज आई, 50,000 में कितनी, 20 मेज आई, तो 20 ही मेज आई, फिर प्रॉफिट कैसे होगा, समस्या नहीं आएगी। आगे पढ़ो क्या कहा इसने, वह अनुमान लगाता है कि एक मेज को बेचकर वह ₹250 और एक कुर्सी को बेचकर, अगर वो मेज बेचता है तो 250 का प्रॉफिट होता है, जबकि कुर्सी बेच रहे पर 75 का प्रॉफिट होता है। अब हम उसे ये कहते हैं कि भाई तू सारी मेज ही खरीद ले, जब फायदा ज्यादा हो रहा, लेकिन मेज वो खरीदेगा कैसे, उसके पास तो 50,000 रुपए ही है बस, वे 50,000 में तो सारी मेज आ ही नहीं रही, फिर मुसीबत। अब वो अगर सारी कुर्सी खरीदे तो उसके पास क्या हो रहा, रखने की जगह नहीं है। अब तो समझ में आ रही ना समस्या ही क्या है। तो यहाँ कुछ एक ऐसी समीकरण फिट करनी है कि लाभ सबसे ज्यादा हो, कितनी कुर्सी और कितनी मेज वो खरीदे ताकि लाभ सबसे ज्यादा हो। तो हमने मान लिया, क्या माना, कि माना मेजों की संख्या x जो वो खरीदता है और कुर्सी की संख्या y जो वो खरीदता है। तो अब इनके हिसाब से प्रॉब्लम सेट कर लेंगे, भाई दोनों का जो टोटल है वो कितना होना चाहिए, 60 से कम, 60 से ज्यादा रखे नहीं जा सकते, कम हो या 60 के बराबर हो, ये बात समझ में आ गई। इस पे हमने इक्वेशन फर्स्ट डाल दिया। अब एक मेज खरीदने में कितने खर्च हो रहे, 2,500, एक्स मेज खरीदने में कितने खर्च होंगे, 2,500 एक्स, एक कुर्सी खरीदने में 500 खर्च हो रहे, 500 वाई, और ये टोटल कितना होना चाहिए, 50,000 या उससे कम, ये भी बात समझ में आ गई होगी, नहीं आई, क्लियर हो रही ना बिल्कुल बात। अब तीसरी बात पढ़ो, एक मेज पे प्रॉफिट कितना है, 250, तो प्रॉफिट 250x हो जाएगा अगर एक्स मेज है, प्लस 75y हो जाएगा प्रॉफिट। अब इस प्रॉफिट को आप जेड से मान लो, और इसको हमें क्या करना है, मैक्सिमम, यही हमारी प्रॉब्लम। अब आया समझ में, भाई ये जो प्रॉफिट है इसी को तो हमें मैक्सिमम करना है ताकि प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो, और ये वो समस्या है जो समस्या इसमें अवरोध पैदा कर रही, समझ गए। तो आगे जो एक्सरसाइज है ऐसे बनाने पड़ेंगे तुम्हें समीकरण भी, पहली जो एक्सरसाइज है उसमें केवल बनी बनाई है। अब मुझे ये बात समझ में आ गई, मैंने सारी चीजें यहाँ लिख दी, ठीक है, जेड को हमें क्या करना है, मिनिमम, और ये हमारे अवरोध है। अब इनसे हमें क्वेश्चन करने है कैसे, ये जो अवरोध दिए इनको आप चार्ट पे रिप्रेजेंट कर दो, चार्ट मीन्स ग्राफ, ग्राफ पेपर ले लिया, देखो ग्राफ पे इनको रिप्रेजेंट 11वीं के मेथड से,
ग्यारहवीं में पढ़ा था, अगर ग्यारहवीं में नहीं पढ़ा उसी टाइम ग्यारहवीं का भी चैप्टर चल रहा था, मैं उस समय ग्यारहवीं की वीडियो भी तुम्हें भेजता था, लेकिन बस चलो अब लापरवाही जो भी छोड़ दो उस बात को, अब तुम नए सिरे से काम शुरू करो। पहली समीकरण है तो आप लिखेंगे यहाँ समीकरण एक से, तो समीकरण एक से क्या है भाई, एक्स प्लस टू वाई लेस अर इक्वल छोड़ देते हैं जब हम इसको ग्राफ में लिखते हैं, ठीक है। तो एक्स बराबर पहले जीरो रखा, वाई बराबर फोर, तो पहला पॉइंट जीरो फोर आ गया, वाई बराबर जीरो रखा, एक्स बराबर एट, दूसरा पॉइंट क्या आ गया, एट जीरो, इसको ए माना, इसको भी याद आ रहा ना कुछ कुछ। उसके बाद क्या लिखते थे, छाया, छाया के लिए जगह छोड़ दो। उसके बाद समीकरण दो भी यहीं हल कर लो, फिर नए पेज पे बना लेंगे ग्राफ, तेरी कॉपी बना दूंगा चलो। उसके बाद क्या कहा इसने, समीकरण दो से, तो समीकरण दो में क्या था भाई, थ्री एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू बारह, ग्रेटर नहीं लगाएंगे अभी, तो x की वैल्यू जीरो रखी, y की छह, तो जीरो छह, इसको c मान लें a b c, उसके बाद y की वैल्यू जीरो रखी और x बराबर कितना आ गया, चार, चार जीरो, इसको हमने क्या मान लिया, d, ठीक होगी बात समझ में। अब छाया के लिए जगह छोड़ देंगे, अब हम इसका चित्र बनाएंगे, लातों को इसमें अब चित्र बना, देखो ये हमने चित्र बनाया ऐसे, तो ये पॉइंट हमने लिख दिए एक दो तीन चार, ऐसे लिख दिया एक दो तीन चार, ऐसे तो लिखते नीचे तो माइनस के आएंगे, तो पहला पॉइंट था जीरो फोर, ये जीरो फोर हो गया, इसको ए लिखा, दूसरा पॉइंट है एट जीरो, चार के बाद पाँच छ सात आठ, तो ये आठ जीरो, इसको हमने लिखा बी, ए और बी को मिला दिया, ठीक है। इस लाइन का नाम भी लिखो ऊपर, क्या थी एक्स प्लस टू वाई बराबर एट, ठीक है। दूसरी क्या थी भाई, जीरो सिक्स, तो पाँच छ, ये हो गया पॉइंट सी, और इधर था चार जीरो, ये हो गया आपका पॉइंट डी, तो सी से डी को हमने मिला दिया। और ये लाइन क्या थी आपकी, बोलो, थ्री एक्स प्लस टू वाई बराबर बारह, ठीक होगी बात यहाँ तक। अब देखो इनकी छाया, छाया बनानी तुम ग्यारहवीं में सीख चुके थे कि किसी बिंदु से संतुष्ट करा दो, संतुष्ट होगी तो उधर कोई छाया चल पड़ेगी, तो जीरो जीरो से संतुष्ट कराना आसान काम बताया था मैंने। तो जब इसको जीरो जीरो से संतुष्ट कराएंगे तो पहली क्या थी, जीरो लेसर इक्वल एट, यानी ट्रू, ये तो थी एक्स प्लस टू वाई, तो इसकी छाया किधर को आगे, इधर की तरफ को नहीं आई, और दूसरी की छाया इधर को चलेगी ऐसे, ठीक है। तो ये एरिया आ गया हमारा आंसर, ये एरिया सबसे डार्क है, मैंने बोला था इनके लिए कलर भी ले लेना। अब दो और रहेगी आपके, एक्स ग्रेटर जीरो वाई ग्रेटर जीरो, इनके लिए क्या है आप लोग सीधा याद कर लो, इन दोनों का मतलब है कि हमारा आंसर पहले क्वाड्रेंट में रहेगा और कोई मतलब नहीं, लेकिन रिप्रेजेंट तो करना ही पड़ता है। रिप्रेजेंट के लिए क्या, ये वाई एक्स है, वाई एक्स को क्या बोलते हैं, एक्स बराबर जीरो, ग्रेटर का मतलब इधर को चल गई छाया, ये क्या है वाई बराबर जीरो, इसकी छाया ऊपर को चल पड़ी, इसका मतलब पहले चतुर्थांश का आंसर आएगा, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक। अब ये पॉइंट क्या था आपका, डी, डी था फोर जीरो, कॉर्नर पॉइंट लिख लो, ये पॉइंट क्या था आपका एट जीरो, और पी को आप सॉल्व कर ले दोनों का, दोनों को क्या कर देंगे हल करके, तो हल करके मान लो दो तीन आ जाएगा शायद, जो भी आएगा हल कर लेना तुम, वो यहाँ लिखा आपने कॉर्नर पॉइंट, दो तीन आएगा ना शायद, तो ये पी है, ये कॉर्नर पॉइंट लिखा, यहाँ जेड का मान, जेड का मान कितना था बोलना जरा, माइनस थ्री एक्स प्लस फोर, इसमें आप मान रख दो, जो भी सबसे कम मान आ गया वही आंसर, मान लो इस पे आ गया दो तीन पे सबसे कम मान, इसका मतलब, या इस पे आ गया आठ जीरो पे, इसका मतलब उसको आठ क्या खरीदनी चाहिए, सॉरी चेयर कुर्सी का तो है ही नहीं क्वेश्चन, जो भी होगा क्वेश्चन हमें नहीं पता, तो उसको अगर चेयर कुर्सी का होता तो आठ केवल कुर्सी खरीदनी थी, चेयर नहीं, अगर दो तीन पे सही आ गया तो उसको दो चेयर खरीदनी थी और तीन कुर्सी, तब जाके उसको सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा। अब समझ में आया, पहली वीडियो भी देखनी, उसका लिंक मैं तुम्हें भेजूंगा।